वेल, अमीर कौन नहीं बनना चाहता, हर कोई अमीर बनना चाहता है। वीडियोस देखते हैं बहुत सारे लोगों की कि भाई अमीर हम बन जाएंगे वीडियो देख के। वेल, पॉसिबल नहीं है। सिर्फ वीडियो देखने से आपको डायरेक्शन मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, बट अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, वीडियो में ही सिखा रहा हूँ, सिखा सकता हूँ, डायरेक्शन दे सकता हूँ, करना आपने। सी, इफ़ यू वॉन्ट टू बी रिच, देखो दो ही तरीके हैं। मुझे तीसरा मुझे खुद नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊंगा। पहला तरीका है, यू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू अर्न मनी, पैसा कमाओ, पैसा आता जाएगा, आप अमीर बन जाओगे। और दूसरा तरीका है, जब पैसा आ रहा है तो पैसे को मल्टीप्लाई करना सीख लो, जिसे हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। अब बात यह आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो लाखों या करोड़ों ही कमा रहा हो वही बहुत अमीर बन पाओ, और हमें अमीर बनना भी क्यों है? द रीज़न टू बी रिच इज टू मेंटेन अ गुड लाइफस्टाइल, कि हमारी लाइफस्टाइल अच्छी हो। क्योंकि आप इस दुनिया में रहते हो भैया, इस दुनिया में तो हर चीज़ का पैसा लगता है। पानी भी फ्री नहीं आता आज की डेट में, और खाना भी फ्री नहीं आता, और आजकल तो हमने देख लिया कि ऑक्सीजन भी फ्री नहीं आती। तो हर चीज़ के पैसे हैं, तो आपको पैसे या तो कमाने पड़ेंगे या आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चलो आपको कहें सर इतना तो हमें पता है, शुक्र है, गुड। अगर आपको इतना पता है दैट्स गुड। नाउ हाउ आर यू अर्निंग योर मनी, आप पैसा कमाते कैसे हो, ये बहुत फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से। क्योंकि आप ज़्यादा पैसा तब तक नहीं कमा सकते जब तक आपको पैसे कमाने के कुछ सीक्रेट्स नहीं पता। देखो, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एक्चुअली आपको ये समझना है कि अगर आप काम नहीं भी कर रहे तो आप पैसे कैसे कमा रहे हो। इसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसे हम टाइम लेवरेज कहते हैं। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि टाइम लेवरेज का जो कंसेप्ट है, दिस कैन एक्चुअली मेक यू मनी। अब आप पैसे कमाते हो बहुत सारे, अब पैसे कमाने हर इंसान को ज़रूरत भी होती है, और कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे बंदा पैसे कमाने शुरू कर देता है। तो अगर आप यंग हैं और आपको कुछ टाइम में समझ आएगा तो आप पैसे कमाने शुरू कर दोगे, चाहे आप 10-20-50,000 रुपए के होना कमाओ, यू विल स्टार्ट टू अर्न सम मनी। बट अब बात आती है, एक तो हम ज़्यादा पैसे कमाएं और जल्दी कमाएं, और उसके लिए कोई गलत रास्ता नहीं, यू हैव टू फाइंड सम वेज जिससे आपको पैसे आएँ और वो भी जल्दी। और उसमें जो परफेक्ट एक रास्ता होता है वो होता है स्टार्ट योर ओन बिजनेस, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट योर ओन बिजनेस देयर इज नो कैप, आप कितना प्रॉफिट बना सकते हो। और अगर आप जॉब करते हो तो आप डेफिनेटली एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी कमाते हो। अच्छा, गलत कुछ भी नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। देखो, कुछ लोग बिजनेस के लिए बने ही नहीं होते, उनके पास उनके नेचर में नहीं है कि वी कैन डू आर ओन बिजनेस, वो रिस्क नहीं ले सकते। दे कैन फॉलो अ डिसिप्लिन लाइफ एंड दे कैन ऑल्सो मेक मनी, और वो सेटिस्फाइड रह सकते। तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि हम करोड़ों रुपए कमाएंगे तभी हम अच्छे रहेंगे और तभी हम बहुत बढ़िया लाइफ जिएंगे, बट इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड कि आप किस लेवल तक पहुंचना चाहते हो जहां पे आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो। अब यहां तक की भी बात चलो समझ आ जाती है, आप पैसे कमा रहे हो, आपके पास कुछ पैसे आ गए, बच गए। अब बात आती है इन्वेस्टिंग की। इस दुनिया से ज्यादातर लोग इस जीवन में रूबरू नहीं हो पाते, क्योंकि वो इतने पैसे कमा ही नहीं पाते कि वो एक्चुअल में उसे इन्वेस्ट करें और मल्टीप्लाई करें, और वो कहते हैं ना कि एक ऐशो आराम वाली ज़िंदगी जी पाएं। ये ऐशो आराम वाली ज़िंदगी इन्वेस्टिंग के बिना नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आप बहुत सारे पैसे कमा रहे हो और अगर वो आप अपने बैंक में छोड़ देते हो तो वो अपनी वैल्यू को लूज़ करते हैं। दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट जब हम कर देते हैं कहीं पर भी, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी लेके डाल दो, चाहे आप सोना खरीद के डाल दो, चाहे आप स्टॉक्स लेके डाल दो, आप उन्हें इमिडिएटली बेचते नहीं हो। तो जब आप पैसा कमा लेते हो, योर माइंड सेट शुड बी कि भाई मुझे इस पैसे से छुटकारा पाना है। दो तरीके हैं छुटकारा पाने के जब आप पैसे कमा रहे हो। एक तो आप उसे स्पेंड कर दो। अगर आपने पैसा कमाया और आपने उसे स्पेंड कर दिया, मैं बता रहा हूँ, और ये दो ही तरीके के माइंड सेट है, या तो आप उस पैसे को स्पेंड कर दो, और स्पेंडिंग के लिए आपको 1,00,000 तरीके मिल जाएंगे स्पेंड करने के। घर में बच्चे की शादी है, किसी की पढ़ाई है, किसी का इलाज होना है। इफ़ यू विल हैव मनी, मनी के ना पैर लगे होते हैं, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, पैसे के पैर लगे होते हैं। अगर आपके पास पैसा होगा तो वो अपने आप इधर उधर चला जाएगा। इट इज़ ए एनर्जी, और एनर्जी रुकती नहीं है, वो एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है, और क्योंकि एनर्जी रुकती नहीं है एक जगह, वो इधर उधर ट्रांसफर होती रहती है। तो यहाँ पे वो ट्रांसफर को आप अपनी ट्रांजेक्शन भी देख सकते हो, IMPS, NEFT, कैश विड्रॉल, बहुत कुछ आप करते हो, तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। दूसरी चीज़, आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखो, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि इन्वेस्टमेंट करनी कहाँ है। अगर लोगों को एडवाइस मिल भी जाती है इन्वेस्टमेंट की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है कि आप रियल एस्टेट खरीद लो। अब रियल एस्टेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, अगेन आई बटन पर लिंक दे दूंगा, कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कैसी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। अब मान लेते हैं आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करी, बट लैंड में क्या हर कोई इन्वेस्ट कर सकता है? किसी के पास पड़े ही 1,00,000 रुपये हैं, तो 1,00,000 में इंडिया में कौन सी ज़मीन आएगी भाई?
कौन सा खेत मिलेगा, छोटी सी जमीन, मुझे नहीं पता, बट द थिंग इज रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड बिग अमाउंट ऑफ मनी, और अगर वो नहीं है तो फिर रियल स्टेट वाली बात तो रहती नहीं है। गोल्ड की हम बात करते हैं तो गोल्ड ऐसा नहीं है कि आपको करोड़पति बना देगा। गोल्ड आपको सिर्फ इन्फ्लेशन से बचा सकता है कि भैया महंगाई बढ़ती जा रही है, आप उसके अगेंस्ट सिक्योर रहोगे, बट इट इज नॉट लाइक कि आपको ये बहुत पैसा कमा के देंगे। सो व्हाट इज द ऑप्शन? स्टॉक्स। अब आप कहोगे स्टॉक्स, सर स्टॉक्स आर वेरी रिस्की, सर सर स्टॉक्स में हमने सुना है लोग बहुत पैसा गंवाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से। सर मेरे पापा कहते हैं स्टॉक मार्केट सट्टा है, मेरी मम्मी कहती है स्टॉक मार्केट से दूर रहो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, चाचा ताऊ फूफा को देखा है, किसी ने 10 लाख का नुकसान कर लिया, किसी ने 15 का कर लिया, कहाँ पे कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, चलो आप स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते, मैं आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करने की सलाह भी दे दूंगा तो मुझे क्या देके जाओगे तुम लोग, मेरी कंपनी के स्टॉक थोड़ी खरीद रहे हो। सोचो जरा, मैं आपको क्यों राइट गाइडेंस दे रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। आप पैसा कमा लेते हो, मान लो आप कुछ भी कमाते हो, 1 लाख 10 लाख 20 लाख कुछ भी सेव कर लिया आपने, आपके पास पैसे हैं, आप सेव करके बैठे हुए हो, आप अपनी सेविंग को कहाँ रखते हो? आप कहोगे सर घर पे तो रखेंगे नहीं, सर घर पे रखेंगे तो कोई चुरा के ले जाएगा। अच्छा जी, फिर कहाँ रखोगे? फिर आप बैंक में रखोगे। अब बैंक आपके पैसे का क्या करता है? बैंक आपको सबसे बड़ी बात, आपको इंटरेस्ट देता है पैसे का, और हर दिन का इंटरेस्ट देता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में रात के 12 बजे तक पैसे पड़े हुए हैं, तो अगर रात के 12:01 हो गए तो आपको जितना भी पैसा पड़ा है उस बैंक अकाउंट में उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक पैसा देता कहाँ से आपको? अगर किसी को 1 करोड़ रुपए पड़े हैं और उसे ऐसे बैंक में पैसे रखे हुए हैं जो 6% साल का सेविंग के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो 6% मतलब 6 लाख रुपए साल का देना है, बैंक को 50,000 रुपए महीना देना है, उसको हर डे के हिसाब से कुछ भी अप्रोक्सीमेटली 1800-1900 रुपए हर डे का देना है बैंक ने, किसी के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है तो बैंक ये 1900 रुपए दे कहाँ से रहा है, बैंक कहाँ से कमा रहा है? अब आपको मैं बता देता हूँ, आपको पता भी होगा, एक तो बैंक कमाता है जब वो लोन्स दे देता है लोगों को। बैंक ने लोन्स दे दिए किसी को, जी होम लोन दे दिया, किसी को मोटर लोन दे दिया, बैंक ने पैसा कमा लिया। दूसरा तरीका होता है, बैंक भी पैसा कमाता है आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगा के। अब हो सकता है आपको ये पता ना हो, बैंक आपको 6% की रिटर्न दे रहा है, बैंक आपको FD में 7% की रिटर्न दे रहा है, बट वो स्टॉक मार्केट से 12-16% या 30% की रिटर्न निकाल रहा है। और क्योंकि बैंक स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा है तभी वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, चाहे FD हो चाहे RD हो। अब आपको लग रहा होगा सर बैंक दे रहे हैं, मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आप इंश्योरेंस खरीदते हो, आप पॉलिसी डालते हो, जब आप पॉलिसी लेते हो आप कहते हो जी हमने पॉलिसी ले ली, अब हम सिक्योर्ड हैं, हम पैसा जोड़ते रहेंगे, और एक टाइम आएगा जब मेरी बेटिया की शादी होगी या मेरा बेटा विदेश पढ़ने जाएगा और मेरी पॉलिसी से हमें पैसा मिल जाएगा। यू आर राइट, पैसा मिलता है, आप पॉलिसी कराते हो आपको पैसा मिलता है। ये पॉलिसी वाले को पहले आप पैसा देते भी हो, ये पैसा कहाँ लगाते हैं? ये दिमाग नहीं लगाते हम, ये पैसा कहाँ लगाते हैं? आपने इन्हें पैसा दे दिया, ये आपको पैसा बढ़ा के देंगे, आपने इन्हें दिया 25 लाख, ये आपको देंगे 75 लाख, ये 3 गुना कहां से कर रहे हैं पैसा? कभी सोचा आपने? ये 3 गुना करते हैं स्टॉक मार्केट से। देर इज नो अदर वे। अगर आप स्टॉक मार्केट को समझो तो ये देश की इकॉनमी है, आप देश में पैसा लगा रहे हो, देश के बिजनेसेस में पैसा लगा रहे हो, और देश के बिजनेस नहीं चलेंगे तो देश तो खत्म ही है। बट अगर आप स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी राइट गाइडेंस ले आते हो, देखो बिना गाइडेंस के अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क हो सकता है, बट आज मैं आपको बताने वाला हूं कि रिस्क नहीं है, देयर इज नो रिस्क। आपको बैंक वाले सी बना रहे हैं, आपका पैसा रख के खुद पैसा बना रहे हैं, एंड यू डू नॉट नो। अब आप बोलोगे कि सर आप गलत बोल रहे हो, तो मैं बोलूँगा ऐसा है जी, आप कोई भी बैंक को स्टडी कर लो, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को स्टडी कर लो, पूरे रात दिन स्टडी करना, और फिर देखना उन्होंने आपका पैसा कहाँ लगाया, आपको पता लग जाएगा उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगाया। अब स्टॉक मार्केट में कहाँ लगाते हैं, और सर आप भी हमें बताओ कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है तो लगाना कहाँ है, लेट मी टेल यू एग्जैक्टली, मैं आपको अभी एग्जैक्टली दिखाऊंगा। अब उससे पहले कुछ सिखाना भी पड़ेगा आपको। सो जब आप देखते हो स्टॉक मार्केट आज क्रैश कर गई, आप पूरी स्टॉक मार्केट को नहीं देखते, आप क्या देखते हो? आप सेंसेक्स को देखते हो या फिर आप निफ्टी को देखते हो। अब ये सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? इन्हें बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। अब मैं आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्म, वो कहते हैं ना अच्छी से भी ऊपर क्या होगा, ग्रेट एडवाइस देने वाला हूं।
गुड से ऊपर ग्रेट। इंडेक्स फंड्स का मतलब क्या होता है कि इनके अंदर बहुत सारी कंपनीज है। कितनी कंपनीज है? दो एक्सचेंजेस है हमारे पास इंडिया में। एक है हमारे पास BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE पे मोटा मोटा 4000 कंपनीज है, NSE पे 1500 के आसपास कंपनीज हैं। तो आप यहां पे समझ सकते हो 5500 के आसपास कंपनीज हो गई। अब हम कहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, क्या 1500 कंपनीज को देख पाएंगे? हम नहीं देख पाएंगे। जो BSE की टॉप 30 कंपनीज हैं उसकी हमने एक लिस्ट बना ली, टॉप 30, और उसे हमने बोला सेंसेक्स। ये हमारा इंडेक्स हो गया, मतलब इसके अंदर अलग अलग प्रोपोर्शन में बहुत सारी कंपनीज हैं। और निफ्टी हमने 50 कंपनियां ले ली जो NSE पे लिस्टेड है, और ये अकेली ऑलमोस्ट 68-70% मार्केट शेयर ले जाती हैं। मतलब 1500 कंपनियां एक तरफ, 1500 में से 50, मतलब 1450 कंपनियां एक तरफ, और 50 कंपनियों का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 68% है। तो अब हमें देखना क्या है, अगर आपको इतनी सी बात समझ आ गई तो अब आगे बढ़ते हैं कि आपको देखना क्या होता है जब आपको पैसे को मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि पैसा तो देखो बिजनेस कमा के देता है। हमने जब सबसे पहले ये बात करी थी, बड़े प्यार से मैंने आपको समझाया था, बहुत बेसिक एडवाइस दी थी आपको कि भैया आपको अगर ज़्यादा पैसा कमाना है आपको बिजनेस कमा के देगा। हर बंदा बिजनेस नहीं कर सकता, बट हर बंदा इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकता है। और इन्वेस्टमेंट करना बिजनेस पार्टनरशिप ही होता है। किसी बिजनेस में एक शेयर खरीदना मतलब हम उस बिजनेस के एक हिस्सेदार बन गए। प्रॉफिट होगा तो हमारा प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो भी शेयर होल्डर्स का होगा। और कंपनी का मालिक कंपनी का फाउंडर और डायरेक्टर नहीं होता, कंपनी का जो मालिक होता है उसका शेयर होल्डर होता है। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ आ गई, सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है, कहाँ लगाना है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखो मैंने एक स्क्रीनर खोली, यहाँ पे कोई भी स्क्रीनर खोल सकते हो। यहाँ पे हम स्क्रीनर्स पे आ जाते हैं। तो आप जब स्क्रीनर पर आ गए हो, यहाँ पे हम स्टॉक यूनिवर्स पे जाके निफ्टी 50 डाल देते हैं। अब जैसे ही निफ्टी 50 डाला, जो 50 कंपनियाँ NSE के ऊपर, यहाँ पे देखो 50 ही आएंगी, लोड मोड कर लेते हैं। सो ये 50 कंपनीज जो आई हैं ये NSE की जो बेस्ट 50 कंपनीज हैं, और ये चेंज होती रहती हैं। इसमें से जो कंपनी अच्छा नहीं करती है निकाल देते हैं। अब बात ये आती है यार, ये तो समझ आता है कि जब निफ्टी बढ़ रहा है, अभी निफ्टी का प्राइस देख लेते हैं यहाँ पे गूगल पे। देखो निफ्टी बढ़ रहा है, एग्जांपल ऑलराइट, तो आप कुछ इस तरीके से यहां पे देखिए कि निफ्टी ये बढ़ता जा रहा है। अभी निफ्टी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि NSE के ऊपर जो 50 कंपनीज हैं उनका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है। मतलब आप यहाँ पर देखो, ये ऊपर था 2005 में 1900 रुपये का था, फिर ये टॉप पर आ गया ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर पहुँच गया, फिर 3000 का आ गया। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कंपनीज ग्रो करती हैं और करती जा रही हैं। इसीलिए जो हमारा निफ्टी 50 मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज हैं, निफ्टी 100 मतलब जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे 100 टॉप कंपनीज हैं, इसी तरीके से निफ्टी 500 भी होता है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, निफ्टी पे जब आप आ गए, आपने स्क्रीनर पे देखा ये सारी कंपनीज को। अब अगर कोई इनमें इन्वेस्ट करना चाहता है, कोई कहेगा जी मैं म्यूचुअल फंड खरीद लेता हूँ निफ्टी का या सेंसेक्स का, म्यूचुअल फंड वाले आपसे चार्जेस भी लेते हैं। इफ़ यू डू नॉट नो तो यू कैन लूज योर मनी देयर, आपकी चॉइस है। बट मैं आपको बोलूँगा भैया, जब इतने समझदार हो और मैं आपको सिखा रहा हूँ तो खुद ही सेलेक्ट करके खरीद लो। जब यहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोल रहा है ये हमारी टॉप 50 कंपनी है, तो इन टॉप 50 कंपनियों में से आप देखो ना कि कौन सी कंपनी आपको सेलेक्ट करनी है, अपने पोर्टफोलियो में डालनी है। क्योंकि अगर आपने इसमें पैसा लगाया तो मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट एवरी टाइम, बट द थिंग इज अगर आप थोड़ा ध्यान से मतलब अपनी समझ से वेल रिसर्च करके पैसा लगाते हो, और अपने 10 कंपनियों में पैसा लगाया तो आपको 8 कंपनियां पैसा बनाकर देंगी ओवर द लॉन्ग टर्म पीरियड। शॉर्ट टर्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म में यू कैन लूज योर मनी, बट द थिंग इज लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। एग्जांपल टाइटन 34th नंबर पे आ रही है आज की डेट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में। आज मैं इसी कंपनी को यहाँ पे खोल देता हूँ, इसका प्राइस आप देखो, जस्ट प्राइस की बात कर रहे हैं 1455। क्या अभी खरीदना चाहिए? इंट्रेंसिक वैल्यू से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा सिर्फ इसी इंडिकेटर को देख के कि अभी मत खरीदो। सो हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स देखने हैं? अभी 50 कंपनियों में 34th नंबर पे ये थी, और इसका
जो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ग्राफ है, देखो तो मैक्स ग्राफ की बात करूँगा, तो किसी ने अगर इसमें सन 2001 में 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज वो कितना हो गया होता भाई, ज़रा सोचो कितना हो गया होता। 1 लाख रुपए अगर आपने इसमें लगाया होता सन 2001 में तो इसका आज की रेट में वैल्यू होता 10 करोड़ रुपए। तो आप खुद देख सकते हो, वैसे तो एनीवेज यू कैन डू इट योर सेल्फ, अपने घर पे कर सकते हो। तो प्राइस बढ़ रहा है, ये तो कंफर्म है कि प्राइस बढ़ रहा है, बट अभी खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए उसके ऊपर इंडिकेटर्स हैं, हम उसके ऊपर बात करेंगे। अभी हम सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस को सीख रहे हैं, हम टेक्निकल पे नहीं जा रहे, टेक्निकल भी सीखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सीखेंगे। इसी सीरीज़ में, फाइनेंशियल एजुकेशन की सीरीज़ में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें अपना पैसा लगाना कहाँ है। अभी मैंने एक कंपनी खोली निफ्टी 50 की और मैंने बोला कि अभी इसका प्राइस इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर है, सिर्फ यही देखा मैंने, और मैंने बोला इसे मत खरीदो। इंट्रेंसिक वैल्यू क्या होती है, पहले मैंने आपको बताया वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट एंड प्राइस इज़ व्हाट यू पे। तो अगर आप प्राइस ज़्यादा दे रहे हो और वैल्यू कम मिल रही है तो नहीं खरीदेंगे, ठीक है। तो अभी ये एक मेन फैक्टर था, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी के ऊपर मैं इसे नहीं खरीदूंगा। सो मैं आपको एग्जैक्टली अभी दिखाऊंगा कि हमने करना क्या है, वी हैव टू गो बैक आई गेस। ऑलराइट, तो यहाँ पे 50 कंपनियाँ थी, इसी तरीके से यहाँ पे आपको बहुत सारे और भी मिल जाएंगे, आपको निफ्टी 100 मिल जाएगा। अब मैं निफ्टी 100 ही क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने पहले ही सिलेक्ट करके अपनी 100 कंपनीज ऊपर रखी हैं। अब यहाँ पे हम कुछ फिल्टर्स लगाएंगे। फिल्टर्स लगाने क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ कुछ देखने वाले हैं। अब वो क्या देखने वाले हैं वो समझिएगा, मैं यहाँ पे फिल्टर लगा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे जाता हूँ और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी लगा देता हूँ कि हमारे को रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी आ रही है। उसके बाद मैं वैल्यूएशन पे जाता हूँ और पीबी रेशियो पे लगा देता हूँ, पी रेशियो तो मैंने लिया हुआ है। तो अभी चलो तीन ही इंडिकेटर से देखते हैं, अब यहाँ पर आ जाते हैं। अब कंपनीज क्या है, कंपनीज को छोड़ देते हैं, मैं इधर देख ही नहीं रहा कौन सी कंपनी है, मुझे नाम से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको हो सकता पड़ता हो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं यहाँ पे कुछ और देख रहा हूँ, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जिन्होंने सबसे ज़्यादा दी होंगी वो सबसे ऊपर आ जाएंगी। मुझे पता है 105 वाली नेस्ले है, मैंने देखा भी नहीं इधर नेस्ले। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि इक्विटीज जैसे देख रहे हो तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या आ रहा है, पीबी रेशियो ज़्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। ये पीबी रेशियो क्या होता है, मैंने तो पीई रेशियो सिखाया था आपको, चलो अभी पीबी रेशियो भी सिखाऊंगा। पीई रेशियो होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, कि आप ये देखो 1600, क्या ये ज़्यादा है कम है, मैंने सिखाया हुआ है, बहुत ज़्यादा है भाई, नहीं खरीदना इस कंपनी को, अदानी ग्रीन बिल्कुल नहीं खरीदना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में, तो मतलब पैसा कमा के दे नहीं रही है कंपनी, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब प्राइस इतना ज़्यादा इन्फ्लेटेड है, अर्निंग अभी है नहीं कंपनी की। हाँ हो सकता है फ्यूचर में कमा के दे, बट मैं तो यहाँ पे इसे दोबारा से क्लिक करूँगा तो ये नेगेटिव पी रेशियो, बिल्कुल नहीं खरीदना। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में आ जाते हैं, जहाँ पे 5, 7, 8, 10, बट अब बात ये नहीं कि 5, 7, 8, 10 को देख के मैं अभी यहाँ पे स्टॉक स्क्रीन करने वाला हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो अगर सिंगल डिजिट में है तो वो अच्छा होता है, अगर वो 20 से कम है तो भी वो अच्छा होता है, बट अगर वो 25 से ज़्यादा है तो हमें कुछ कुछ फैक्टर्स एनालाइज करने होते हैं। 25 से ऊपर इसका मतलब गलत नहीं है, बट बात यहाँ पर ये है कि अब यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, एक तो इक्विटी मुझे देखनी है, एक मुझे पीबी देखना है। पीबी मैं कहूँगा 2 से कम होना चाहिए। अब ये पीबी है क्या, पहले पीबी समझा देता हूँ, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पर लिंक दे दूंगा देख लेना। अब ये पीबी क्या होता है, देखो एक यहाँ पे आप पहले इसे समझो कि बुक वैल्यू क्या होती है, उसके बाद आपको पीबी समझ आएगा। मान लेते हैं कि कंपनी आज बंद हो गई, आपको क्या मिलेगा, आपने अगर कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो आपको क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट। तो आप बोलोगे सर कंपनी चाहे अपना फैक्ट्री बेचे, अपनी लैंड बेचे, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। बिल्कुल ठीक बोला आपने, कुछ गलत नहीं बोला। आज कंपनी के पास जो भी एसेट्स हैं, जितना भी उसके पास एसेट्स हैं वो सारे ले आओ, माइनस उसकी लायबिलिटी कर दो। तो बड़े सिंपल लेमन टर्म्स में बता रहा हूँ, लायबिलिटी मतलब उसके लोन है, कुछ उधार है, कुछ देना है। तो मान लेते हैं कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए का तो एसेट है, और मान लेते हैं कंपनी के पास 2 करोड़ रुपए की लायबिलिटी है, लोन लिया हुआ है, सब कुछ देना है, तो उसके बाद 8 करोड़ रुपए बचा। अब आपको क्या मिलेगा, आपको इसका हिस्सा मिलेगा 8 करोड़ रुपए का, क्योंकि आपने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। अब आप कहोगे सर ये मुझे मिलेगा, ये कैसे मिलेगा। अब ये समझो, ये ज़्यादा है कम है आपके शेयर के हिसाब से, आपने कितने का शेयर खरीदा आपको नहीं पता, इसीलिए ये पी बी रेशियो होता है। पी रेशियो होता है अर्निंग के हिसाब से, पी बी रेशियो होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब कंपनी की बुक्स पे ऑन रिकॉर्ड्स अकाउंटेंसी के हिसाब से वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये पी बी रेशियो निकलता कैसे, तो पी बी रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर।
अब ये बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी? बड़ा सिंपल है, कंपनी की वैल्यूएशन हमने निकाल लिया, बुक वैल्यू 8 करोड़, और डिवाइड बाय कंपनी के शेयर्स कितने हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी के पास 100,000 शेयर्स है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बुक वैल्यू पर शेयर आ गई वो आ गई 800 रुपये। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग जा रहा हो, बट समझ लो यार काम की बात तुम्हारे लिए है, क्योंकि पीबी रेशियो कैसे निकलता है समझा रहा हूँ। 800 रुपये आ गई, अब 800 रुपये बुक वैल्यू पर शेयर आ गई। अब पीबी का मतलब क्या है? प्राइस अपॉन बुक वैल्यू पर शेयर। प्राइस मान लेते हैं इसका 1600 रुपये है एक शेयर का, और हमारी प्राइस बुक वैल्यू पर शेयर है हमारा 800 रुपये, तो हमारा पीबी रेशियो आ गया 2 का। इसका मतलब है कि आपको अगर आप 1600 रुपये दे रहे हो तो आपको 800 रुपये की ही जो वैल्यू मिल रही है, एसेट्स मिल रहे हैं। बट इसके अंदर हम हमेशा टेंजेबल एसेट्स को लेते हैं, कंपनी की गुडविल कितनी है, कंपनी के पास टेक्नोलॉजी क्या है, कंपनी किस डोमेन के अंदर काम कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो हम टेक्नोलॉजी की कभी एसेट वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम उसकी गुडविल की एसेट वैल्यू एकदम से नहीं निकाल सकते। हो सकता है उसकी गुडविल इतनी ज़्यादा बढ़े जैसे टेस्ला की बढ़ रही है, तो उसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा जा रहा है। बट वहां पे पी रेशियो पीबी रेशियो, यहां पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जनरली हम पीबी रेशियो उन कंपनीज का देखते हैं जो एसेट वाली कंपनीज है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, एशियन पेंट जैसी कंपनी जो पेंट बना रही है। बट अगर कंपनी कोई टेक्नोलॉजी के अंदर है तो उसका पीबी रेशियो ज्यादा भी हो सकता है, उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो सकता है कंपेयर टू उसका जो बुक वैल्यू है। यहां तक अगर आपको बात समझ आ गई तो अब हम जो स्क्रीन पे देख रहे थे फटाफट देखते हैं, क्योंकि हमने अच्छा आप ही लोगों ने बोला था कि सर आप लंबी वीडियोस बनाओ, हमें समझना है, तो इसलिए समझा रहा हूँ, वरना मैं इसी वीडियो को 10 पार्ट में बना सकता हूँ, मतलब आप 100 वीडियो देख सकते हो, चॉइस इज योर्स। मुझे बता देना कि लंबी वीडियो देखनी नहीं देखनी, कमेंट में बता देना। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपने देखा कि पी रेशियो ये है, पी वी रेशियो मैंने आपको बोला कि 2 से ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरा मन नहीं मानता 2 से ज़्यादा हो। यहाँ पे 0.786 का है, 2.78 का है, और ये अभी हम कहाँ पर देख रहे हैं, हमने फिल्टर लगाया हुआ है निफ्टी 100 में, मतलब निफ्टी में जो NSE के ऊपर टॉप 100 कंपनीज हैं, पहले हम उन्हें ही देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम तीनों चीज़ें देखेंगे। अगर आपको कहीं पर आपका एकदम से स्ट्राइक होता है या कंपनी का, तो यार 5 का या 7 का हमारा पी रेशियो आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड, सिंगल डिजिट पी इज गुड, बट आप वहीं पर देखते हो उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, भाई रिटर्न ऑन इक्विटी तो ठीक ठाक आ रही है, और इसका पी वी रेशियो भी 2.78 आ रहा है या 1.40 आ रहा है, हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेके चल सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि हमने यहाँ पे पीवी रेशियो पे क्लिक किया तो देखो एकदम से 82 का आ गया, मतलब बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग उसका प्राइस 82 टाइम ज़्यादा है। और ऐसी कंपनी ज़्यादातर मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी में होगी, मैंने वहाँ पे नहीं देखा, बट यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नोलॉजी में नहीं है, नेस्ले। अब नेस्ले ने कमा के भी ज़्यादा दिया है, और देखो दूसरे नंबर पे ग्रीन एनर्जी वाली कंपनी आ गई, 73 का पीवी रेशियो है, तो यहाँ पे उसका जो प्राइस है और उसके हिसाब से उसकी जो बुक वैल्यू है वो 73 टाइम्स ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे हमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स देखने हैं। अब नेस्ले तो मैंने बोला था कि उसका रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत बढ़िया 105 का है, यहाँ पे माइनस में है, तो तीनों चीज़ें मैं देख रहा हूँ। मैं उसका पी ई रेशियो देख रहा हूँ, यहाँ पे 79, यहाँ पे 1600, तो मजाक ही हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ पे 105, यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे 82, 73। सो वी विल सेलेक्ट द कंपनीज जहाँ पे पी ई रेशियो 20 के आसपास हो, हमारा इक्विटी अगर हमारा 50+ आ रहा है, गुड, दैट इज़ गुड। अगर 50+ आ रहा है, देखो यहाँ पे 53 आ रहा है, बट यहाँ पे पी रेशियो 52 का है, और यहाँ पे पी वी रेशियो 26 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे और भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम 500 कंपनी तक डीप जा सकते हैं देखने के लिए कि वो कंपनी हमें मिल जाए जो अपनी इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे हो, उसका पी रेशियो ठीक हो, उसकी रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक हो, और उसका पी वी रेशियो ठीक हो। अगर हम थोड़ा सा टाइम लगा लेते हैं ये ढूंढने में, अब आप कहोगे सर अभी क्या, अभी ढूंढ के दिखाओ, मेरे को अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आना पड़ेगा क्योंकि इस पे काम करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, ये आपके सिखाने के लिए है, तो चलो ढूंढ ही लेते हैं यार। सो फॉर एग्जाम्पल अब हम अंबुजा सीमेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आप प्राइस देख पा रहे हो अंबुजा सीमेंट का। अब हम इसके फाइनेंशियल्स पे आ जाते हैं, देखते हैं क्या रेवेन्यू आ रहा है कंपनी का, क्या इनकम आ रही है। सो यहाँ पे हम टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं कंपनी का। आप देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर बाय ईयर बढ़ता जा रहा है, अभी 2020 में ऑलमोस्ट 25,000 करोड़। इनकम को देख लेते हैं फटाफट, इनकम भी बढ़ रही है, ऑलमोस्ट 2300 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है,
आप बैलेंस शीट पे आ जाइए, आपको एसेट्स दिख जाएंगे कंपनी के, लाइबिलिटीज दिख जाएगी। कर यहाँ पे टोटल एसेट्स आ रहे हैं ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ के एसेट्स हैं कंपनी के पास। कंपनी के पास लाइबिलिटीज़ हैं 10,500 करोड़ के आसपास की। तो यहाँ पे आपको जो अभी टोटल इक्विटी मिल रही है, अगर आप इसमें शेयर्स खरीदते हैं तो 29,000 करोड़ की इक्विटी, मतलब इट इज़ वेरी गुड रेशियो। अगर यहाँ पे हम इसी तरीके से कैश फ्लो देखें, कंपनी के पास कैश है या नहीं है, सो कंपनी के पास कैश भी है। नाउ मैं आपको एक चीज़ बोल सकता हूँ फंडामेंटल्स देख के, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका शेयर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बट अगले 10 साल में इसका शेयर बढ़ेगा। ऐसी जो भी कंपनी आप सिलेक्ट करोगे उसका शेयर बढ़ेगा। बट बात क्या है कि आज 307 के भाव पे हम खरीद लें, सर आज तो इंट्रेंसिक वैल्यू से ऊपर है, तो भैया ज़रूरी आज ही खरीदो। वॉरेन बफे साल में एक बार शेयर खरीदते हैं, कब? जब उन्हें लगता है कि इंट्रेंसिक वैल्यू से शेयर का प्राइस कम आ रहा है, मतलब वैल्यू ज़्यादा मिल रही है प्राइस कम देना पड़ रहा है। तो आप अलर्ट लगा लो, आप यहाँ पर देखते हो एक साल के अंदर इसका जो प्राइस है वही ऊपर ही है, बट एक साल के पहले आपको लगता है इसका प्राइस यहाँ पे, एक साल के अंदर देख लेते हैं वेयर इट वॉज, लेट्स गो टू 5 ईयर्स। सो आप देखते हैं ऊपर नीचे आ रहा है, बट बीच में इसका प्राइस 200 के आसपास था, तो आपको लगता है कि भैया 300 ज़्यादा 200 के आसपास होना चाहिए, तो ज़रूरी आज खरीदना। आपको मैंने अपस्टॉक के ऊपर बोला था साइनअप कर लो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा, जिन्होंने अभी तक साइनअप नहीं किया जाओ उस पर। आप इस मान लीजिए स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में डाल लो, मैंने भी अपनी वॉच लिस्ट बनाई हुई है, और आप वहाँ पे एक अलर्ट लगा दो, जब 200 का आएगा तब खरीद लेंगे, आज नहीं आएगा 2 महीने बाद आएगा, 3 महीने बाद आएगा तब खरीद लेंगे। तो जब इंट्रेंसिक वैल्यू से नीचे आ रहा है तब खरीदेंगे, जरूरी है इसी को खरीदना, अगर नहीं भी आया तो। भैया कितनी कंपनी है, NSE के ऊपर 1500 कंपनी है, BSE के ऊपर 4000 कंपनी है, तो जो कंपनी हमारे हिसाब से, हमारे PE के हिसाब से, हमारे PB के हिसाब से, हमारे इक्विटी के हिसाब से जो आ रही होगी कंपनी, हमारे एनालिसिस के हिसाब से इसकी इनकम बढ़ रही होगी, इसका रेवेन्यू बढ़ रहा होगा, जिसके पास कैश फ्लो होगा, हम उस कंपनी को खरीदेंगे, ये तो हमारी चॉइस है ना। तो अगर आप अपना कॉमन सेंस लगाते हो और अपने फंड्स को आप डाइवर्सीफाई करके चल रहे हो, देखो डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है इसे समझिए, अगर आज आप खरीद रहे हो कुछ भी और आप उसे डाइवर्सिफाइड फंड्स के हिसाब से खरीदते हो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि आप एक जगह पैसा ना लगा के 10 जगह पैसा लगा रहे हो सकता है आपके एनालिसिस के हिसाब से 2 या 3 कंपनियां वर्कआउट ना करें, वर्कआउट ना करें मतलब हो सकता है उसमें आपको उतना ज़्यादा फायदा ना हो, लॉस भी हो जाए, भैया साथ में तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि फंडामेंटल्स ये कहते हैं। ये पुष्कर राज ठाकुर नहीं कह रहा, मैं आपको रिटर्न में क्यों दे सकता हूँ कि ऐसी कंपनी जिन्हें आप एनालिसिस करके देख रहे हो वो आपको FD से या बैंक से ज़्यादा रिटर्न्स देंगी, क्योंकि हमने उनकी फंडामेंटल एनालिसिस करी है। टेक्निकल अभी हम सीखेंगे, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, बट द थिंग इज आपने एनालिसिस करी है। अगर ये कंपनियाँ डूबती हैं जो निफ्टी 100 के अंदर आ रही हैं, सेंसेक्स में आ रही है, मतलब देश की इकॉनमी डूब रही है भाई, और उसमें से भी बढ़िया कंपनीज आपने सेलेक्ट करी हुई है, तो अगर ये डूब रही है तो सब डूब रहा है। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम निफ्टी भी बढ़ता है और सेंसेक्स भी बढ़ता है, और ये मैं नहीं कहता, ये इतिहास गवाह है, एंड हिस्ट्री में जो हुआ है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब देश हमारा बहुत पोटेंशियल है, आप देखो अगर हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स हमेशा ऊपर ही गया है, नीचे आने का मतलब नहीं, क्योंकि इकॉनमी हमारी राइजिंग इकॉनमी है। हमारे देश के जो लोग हैं 130 करोड़ लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रो कर रही हैं, तो हमारा देश की इकॉनमी ऊपर जाएगी। इकॉनमी कौन ऊपर लेके जाता है? बिजनेस ऊपर लेके जाते हैं, और इन्हीं बिजनेस में तो हमने पैसा लगाया है, तो हमारा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दिस इज अ श्योर शॉर्ट वे ऑफ मेकिंग मनी इन स्टॉक मार्केट, इफ़ यू हैव लर्नड इट वेरी गुड। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी। देखो मैं खुद ये बोल रहा हूँ और बहुत बार बोल चुका हूँ कि सब कुछ मुझे भी नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ सीखना है, इनफैक्ट मुझे भी बहुत कुछ सीखना है, और आज से 50 साल के बाद भी मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि मुझे और सीखना बाकी है। तो अगर आप सीखते रहोगे ना तो आप जीतते रहोगे और कमाते रहोगे, सो कीप लर्निंग। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हो तो भैया फॉलो करो, और यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, क्योंकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। अभी आपने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस, और अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की। मुझे याद आप लोगों ने बोला था इंट्राडे सीखना है, ऑप्शन सीखने, 1,000 रुपये लगा के 10,000 कैसे आता है, सिखाएंगे आपको। रिस्क है, मुझे पता है आपको रिस्क है, तो इश्क है, यू विल लर्न अ लॉट। सो अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर इंटरेस्ट है नीचे कमेंट में बताओ, सवाल है नीचे कमेंट में बताओ, उसके ऊपर भी हम वीडियोस बनाएंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, तो लाइक अगर आप करते हो तो लाइक करके बता दो, और शेयर जरूर करना, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ना स्कूल में सिखाई जाती है ना कॉलेज में सिखाई जाती है, बट सीखनी बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाने के लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड इफ यू आर लर्निंग एंड इफ यू आर एंजॉइंग,
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम अगर आपके पास अपस्टॉक का अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है आपके पास, तुरंत खुलवा लो, क्योंकि भैया स्टॉक्स तो खरीदने हैं, इन्वेस्टमेंट तो करना है। तो डीमैट अकाउंट नहीं है तो बिल्कुल वैसे ही हो गया कि मैं स्विमिंग तो करना चाहता हूँ और स्विमिंग पूल में पानी नहीं है, तो कैसे करोगे? सो यू नीड अ डीमैट अकाउंट। अभी जाके साइन अप करो, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, अपना अकाउंट ओपन करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो सेल्फ मेड।